और हमारा ऑल ओवर इंडिया कहीं टोल नहीं लगता है क्योंकि चाचा हमारे विधायक हैं। सुमित भैया की बाइक, मैं भी रहा सुमित भैया और यहाँ सुमित। घूमने फिरने के शौकीन हैं और आपको नई नई जगहों पर जाना अच्छा लगता है तो हमारा चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और नए वीडियो पर आज हमको छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं तो आज का दिन सारा काम करने में निकल जाएगा। तो हेलो माई लवली फ्रेंड्स, इट्स मी नवनीत एंड आई एम वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल वेयर द रोड खोज पर। तो अभी हमको जाना है यहाँ से बैंक क्योंकि वहाँ पे मेरे EMI का कुछ इशू हो गया तो वहाँ चेक डिपॉजिट करना है। फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग अपने एक्शन कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड लेने, फिर वहाँ से रिटर्न आकर फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से भिलाई क्योंकि वहाँ पे सुमित भैया के घर जाके हम लोग अपने एक्शन कैमरा पे उनसे माउंट कराएंगे क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे को थोड़ी सी एडजस्टमेंट और सेटिंग का इशू आ रहा है तो वो सुमित भैया से कराऊंगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए घर से निकलते हैं और चलते हैं बैंक। खड़ी रही हमारी कार और इधर खड़ी है हमारी स्कूटी, लेकिन अभी हम लोग कार से नहीं जाएंगे क्योंकि सिटी में जाना है तो कार से काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट होता है और बाइक आज थोड़ा चलाने की इच्छा नहीं है तो आज हम लोग स्कूटी से निकलेंगे। तो चलते हैं बैंक। पार्किंग में मैंने स्कूटी पार्क कर दी है, अब ऊपर जाएंगे, थर्ड फ्लोर लिफ्ट भी बुला ली है, उसके बाद बैंक में जाएंगे, बैंक का काम कंप्लीट करेंगे हम लोग। लिफ्ट ऊपर जा रही है थर्ड फ्लोर। सो बैंक का सीन ये था कि मेरी एक EMI एक्स्ट्रा कट गई थी तो मुझे उसका पैसा रिफंड चाहिए था तो मैं बैंक कैंसिल चेक देने गया था ताकि वो मेरा पैसा मेरे अकाउंट में रिफ़ंड कर दे। और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं MG रोड जहाँ की मुझे अपने एक्शन कैमरा के लिए उसकी मेमोरी कार्ड लेनी है। तो जल्द से जल्द अभी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और फिर घर भी निकलना है, उसके बाद भिलाई के लिए भी जाना है। तो हम लोग अभी मेमोरी कार्ड लेके अपने घर पे जा रहे हैं, शॉप पे भीड़ ज़्यादा होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। मेमोरी कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको घर पहुंच के देता हूं तो जल्दी से जल्दी घर पहुंचते हैं। आ गए हैं, अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं दोपहर के 3 और 4:30 बजे यहां से निकलेंगे भिलाई के लिए। और मेमोरी कार्ड लेने मैं गया था वहां पर और सॉरी वहां का मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि शॉप में थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। तो ये है सैंड डिस्क का एक्सट्रीम प्रो 64 GB, ये मेरे एक्शन कैमरा के लिए है। इसकी MRP है 28,800 रुपीज़ लेकिन ये मेरे को पड़ी 1700 रुपये की। तो वहाँ पे 1700 रुपये का ये मेमोरी कार्ड मैंने लिया सैंड डिस्क का। उसके बाद अब घर आ गए, अब तैयारी करेंगे हम लोग भिलाई जाने के लिए। तो भिलाई जाने के लिए वहाँ मैं बताया था कि हम लोग वहाँ सुमित भैया के पास जा रहे हैं जो कि मेरे हेलमेट पे एक्शन कैमरा फिट करने में हेल्प करेंगे। तो उसके लिए मैं अपना हेलमेट रखूँगा, एक्शन कैमरा रखूँगा, सारे एक्शन कैमरा के एसेसरीज रखूँगा और फिर इस बार हम लोग यहाँ से कार से निकलेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं 4:00 और भिलाई निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ पड़ा हुआ है मेरा हेलमेट और ये मेमोरी कार्ड और ये मेरा एक्शन कैम जो मैं ख़रीद के लाया। तो अभी इन सब सामान को बैग में रखेंगे और गाड़ी में डालेंगे और यहाँ से निकलेंगे भिलाई के लिए। तो यहाँ रख दिया हेलमेट और कैमरे को भी यहाँ सेफ सेफ रख देते हैं। तो गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब घर से निकल रहे हैं, अब मिलेंगे आप लोग को भिलाई में।
गाड़ी का और हमारा, ऑल ओवर इंडिया कहीं टोल नहीं लगता क्योंकि चाचा हमारे विधायक हैं, ये बात याद रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। चारों पहुंच गए हैं और इस सिग्नल पे स्टॉप लिए हुए हैं हम। सारी गाड़ियां सिग्नल पे खड़ी हुई है। पहले कुम्हारी पड़ता है, कुम्हारी के बाद चौरौदा, अब इसके बाद भिलाई पड़ेगा। यहाँ से नियर अबाउट 20-25 किलोमीटर रह गया भिलाई, तो जल्द से जल्द भिलाई पहुँचते हैं। और सुमित भैया को भी अभी थोड़ी देर में फ़ोन लगाएंगे कि कहाँ पर है वो और कहाँ मुलाकात होगी। हाँ सुमित भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। भिलाई पहुँचने वाला हूँ, 5 किलोमीटर रह गया है। ठीक है ठीक है, आओ आओ। कहाँ मिल रहे हो? घर ही आकर भाई। तो एक काम करो ना, मेरे को लोकेशन सेंड कर दो ना व्हाट्सएप पर। मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ओके। और यहाँ से जो डिस्टेंस है सुमित भैया के घर की, वो गूगल मैप बता रहा है 4.5 किलोमीटर। तो बहुत ही जल्द उनके घर पहुँचने वाले हैं और उनसे भी आपको मिलाएंगे सुमित भैया से, और उनकी इंटरेस्टिंग बाइक भी दिखाएंगे आपको। सुमित भैया के यहाँ पहुँच चुके हैं और ये रहे सुमित भैया। सुमित भैया हेलो बोल दो दोस्तों। हाय हेलो। तो अभी सुमित भैया फाइनली इस कैमरे को सेटअप करके देंगे हेलमेट में, तो चलते हम लोग सेटअप करते हैं कैमरे को। तो अभी भैया के सुमित भैया के हेल्प से ये मेरा हेलमेट अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है और इसके हम लोग व्यू भी चेक कर लिया, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। थैंक्स टू सुमित भैया जिन्होंने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमको दिया। अब वीडियो की जो ये हेलमेट का जो पूरा प्रोसेस था माउंटिंग का, इसको हम आपको अलग वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि वीडियो पहले ये बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो सुमित भैया ने पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको फिट किया है, तो उसकी एक मैं अलग वीडियो डालूंगा। और अभी हम लोग यहाँ से इस हेलमेट का काम फाइनल कर लिए हैं और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे सुमित भैया के यहाँ से, फिर वापस रायपुर जाएंगे। सुमित भैया की बाइक दिखाऊंगा, तो ये रही सुमित भैया की बाइक। मैं भी रहा सुमित भैया, और यहाँ सुमित भैया भी है हमारे। इनकी बाइक है कावासाकी ZX 14R, आप लोग देख सकते हैं क्या चमचमा रही है, क्या प्यारी कंडीशन में है। पूरा एक शोरूम सर्विस सेंटर जैसा ही सेट कर दिया हमारे सुमित भैया ने बाइक के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अब यहाँ से सुमित भैया के साथ हम लोग जाएंगे सिविक सेंटर घूमने, वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन है सुमित भैया बता रहे हैं, तो वहाँ की भी फुटेज अगर हो सकेगी तो मैं आपके साथ। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं रायपुर के लिए वापस, और अब समय आ गया है कि सुमित भैया को हम लोग बाय बोले। बहुत अच्छा लगा सुमित भैया के साथ। अभी सुमित भैया ने पिज्जा और बर्गर का भी पार्टी दिया हमको, तो थैंक्स टू सुमित भैया। अब निकलते हैं रायपुर के लिए, फिर मिलेंगे। ओके।